सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी ते मैं तुहाडे नाल अमानत। मौसम नाल जुड़ी वड्डी अपडेट तुहानूं दे रहे हां। दस दईए कि दो दिन पए मीह तों बाद मौसम ठंडा हो गया है ते लोकां नूं वड्डी राहत मिली है, क्योंकि अत दी गर्मी ने लोकां नूं घरों बाहर निकलना मुश्किल कर दिता सी ते हुण दो दिन पए मीह तों बाद मौसम ठंडा हो गया है ते लोकां नूं वड्डी राहत मिली है। तो अलावा तुहानूं दस दईए कि दो दिन की बरसात तो बाद पंजाब का औसत तापमान 6.4 डिग्री तक डिग गया है, जो आम नालों 2.7 डिग्री घट है। पर अज तो फिर तापमान विच वाधा देखने को मिल सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक मौसम आम वांग रहने की भविष्यवाणी की है। तुहानूं दस दईए कि मौसम विभाग ने पंजाब विच 21 अते 22 जून नूं कोई अलर्ट जारी नहीं किया है, जिस तो अनुमान लगाया जा सकता है कि पंजाब विच दो दिन यानी 21 अते 22 जून नूं ना तो ज़्यादा गर्मी पवेगी ते ना ही तापमान दे विच वाधा होवेगा। अज जो तापमान देखने नूं मिलिया है वह आम होने की उम्मीद है। कुछ शहरां दा तापमान 42 डिग्री के नेड़े दर्ज किया गया है। मौसम विभाग मुताबिक देश मानसून की रफ्तार कुछ धीमी पै गई है। दस दईए कि मानसून 25 तो बाद किसी भी समय पंजाब दे विच दस्तक दे सकता है, जबकि प्री मानसून 23 जून तो बाद एक्टिवेट हो जाएगा। मीह की संभावना ज़्यादा नहीं है, पर जदों भी बारिश होवेगी लोगों को गर्मी तो राहत मिल सकती है। दस दईए कि अमृतसर बीती शाम शहर का तापमान वध तो वध 36.1 डिग्री दर्ज किया गया है, जो आम नालों 2 डिग्री घट है। आज तापमान 27 तो 40 डिग्री दी विचकार रहन दी संभावना है। हालांकि मौसम दी गल करिए ते आज आसमान दे विच बदल दिखाई दे सकते ने। मौसम आज ठंडा रहेगा। मौसम विभाग वालों जेड़े आंकड़े जारी किए गए ने उस मुताबिक बीती शाम तक अमृतसर विच 5 मिलीमीटर, फैजिलका विच 3.5 mm अते मोगा विच 1 mm मीह दर्ज किया गया है, जो कि हरेक शहर के तापमान विच वध तो वध 4 तो 9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इस तो इलावा तुहानूं दस दईए कि गुरदासपुर विच सब तो वध तापमान 41 डिग्री दर्ज किया गया है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।